तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है वो एम मास के सर्कल में चल रहा है। इस पार्टिकल का मास एम है और इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो माइनस के ओवर आर स्क्वायर लग रहा है, ठीक ना। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये यहाँ पर तुम देखोगे टोटल एनर्जी इस पार्टिकल का और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो देखो, अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और अगर सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो ये सवाल हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें से मिसिंग है, डी ऑप्शन ए इसमें से मिसिंग है। तो यहाँ से कोई बात नहीं, एक्चुअल जो बुक है उसमें देख लेना। तो यहाँ से तुम देखोगे, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² ओवर r, और यहाँ से माइनस के ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं मैग्नीट्यूड ले ले रहा हूँ, मॉड ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे mv² ओवर r की जो वैल्यू आ जाएगी वो के ओवर r आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ½ mv². तो यहाँ से mv² की वैल्यू के ओवर आर आई, तो यहाँ से mv² के ओवर आर, तो ये 2 r आ जाएगी, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो के ओवर 2 r आ जाएगी। तो अब अपना काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन मैच करो, जो कि बी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकालते हैं। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकालूँ तो आई होप कि आप फार्मूला पढ़े होंगे, जो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है, डी ओवर डी आर। तो यहाँ से जो डी यू पोटेंशियल एनर्जी है, एफ डॉट डी आर से ऐसे रिलेटेड है माइनस। तो यहाँ से अब तुम एक काम करो कि माइनस एफ डी आर और प्रॉपर लिमिट लगा के यहाँ से इंटीग्रेट कर दो। तो इधर बनेगा पोटेंशियल एनर्जी यू और इधर बनेगा माइनस फोर्स की वैल्यू के ओवर आर और ये डी आर, ठीक ना। के ओवर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, के ओवर आर स्क्वायर थी यहाँ पे, ठीक है। तो के ओवर आर स्क्वायर थी, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर -2 dr, और यहाँ से के से मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस के ओवर आर, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी माइनस के ओवर आर आ जाएगी, मतलब अपना सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो टोटल एनर्जी निकाल लो यहाँ पे। टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी जो होता है बच्चों, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, आपको फील आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितनी है यार, के अपॉन 2 r है, तो काइनेटिक एनर्जी के अपॉन 2 r है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के ओवर आर। तो यहाँ से जब इनको जोड़ोगे, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये के ओवर 2 r इज द टोटल एनर्जी यहाँ पे दिखेगी। तो के ओवर 2 r माइनस के ओवर 2 r, तो माइनस के ओवर 2, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ए ऑप्शन अपना सही बन जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।